राकेश टिकैत किसान आंदोलन के बड़े चेहरों में से एक है। आज बच्चा बच्चा किसान नेता राकेश टिकैत को जानता है। ये किसान आंदोलन का ही असर है कि यूपी की गली गली में राकेश टिकैत के समर्थन में नारे लगते हैं। राकेश टिकैत को अब जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसके बाद से उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धमकियों के मद्देनजर योगी सरकार ने राकेश टिकैत को दो और गनर दिए हैं। अब उनकी सुरक्षा में तीन गनर तैनात हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पिछले 7 महीने से नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। वह किसानों के साथ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 26 जनवरी की हिंसा के बाद जब पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने की कोशिश की, तो राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन को दोबारा खड़ा कर दिया, या यूं कहिए मरते हुए आंदोलन में दोबारा जान फूंक दी। तब से राकेश टिकैत किसान आंदोलन के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। जगह जगह उनकी सभाएं होती हैं। इसी बीच राकेश टिकैत को कॉल और व्हाट्सएप के जरिए धमकियां मिलनी शुरू हो चुकी हैं। राकेश टिकैत को अप्रैल और मई में गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में कौशाम्बी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। इससे पहले राकेश टिकैत को दिसंबर में फोन पर धमकी मिली थी। इस मामले में पुलिस ने बिहार के भागलपुर से एक युवक मानव मिश्रा को गिरफ्तार किया था। फिर अप्रैल में फिरोजाबाद के एक युवक को राकेश टिकैत को धमकी देने के आरोप में पकड़ा गया था। हाल ही के दिनों में राकेश टिकैत को धमकी मिलने का सिलसिला बढ़ गया है। इन धमकियों के मद्देनजर योगी सरकार अब राकेश टिकैत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहती है। यही कारण है कि शासन के आदेश के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस लाइन से राकेश टिकैत को दो और सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करा दिए गए हैं।